ये मेरा हैंडिम बजिस है, लेकिन इसके ऊपर लवबर्ड ने हमला कर दिया है और इसके टांग पर लवबर्ड ने काट लिया है, तो इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए मैं इसको अलग करके घर पे लेके आया हूँ। खून भी निकल रहा है इसके टांग से और ये दो बेबीज उसका ही है। The next day. अभी ये पूरा ठीक है, कोई जख्म भी नहीं है इसके पैरों पे, सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा खून लगा हुआ है। और है इसका दीदी, और ये हम लोगों का चीकू, और एक कॉकटेल भी है। और अभी इसका सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा है, क्योंकि कल रात जब मैंने पिक करवाने के लिए गया तो देखा एक बच्चा मरा हुआ था। कैसे मरा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मरा हुआ था, शायद वो लवबर्ड ने काट लिया था, काट लिया होगा। और एक बच्चा पहले से ही वो मट्टी के अंदर मरा हुआ था और एक अंडा खड़ा हुआ पड़ा था। तो अभी ये फिलहाल ठीक है, और एक जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, उसका एक नाम भी रखेंगे हम लोग। और हाँ, आज लवबर्ड को भी वहाँ से पकड़ के इधर आके शिफ्ट करना है, क्योंकि लवबर्ड वहाँ पे और भी जो बजीस है उसके मट्टी में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, मैंने देखा जो। तो आज जाएंगे लवबर्ड को वहाँ से पकड़ेंगे, वहाँ से पकड़ के इधर आके शिफ्ट कर देंगे, जो चीकू के साथ रहेंगे उन दोनों को। और जब मैं गया लवबर्ड को निकालने के लिए तो देखा एक मटके में अंडा है, और इसका ही मम्मी ने अंडे से बच्चा भी निकाल लिया है। ये देखिए बच्चा निकाल लिया है, लगभग 3 बच्चा है इसके अंदर, और भी अंडा है, 2 अंडा है और एक मटका है। नीचे जो मटका है वो खाली है बिल्कुल। तो लवबर्ड को पहले पकड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पकड़ने के बाद। तो फाइनली हमने लवबर्ड को पकड़ लिया है और अभी हम इसको छोड़ देंगे, घर का जो पिंजरा है उसमें छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो मैंने लवबर्ड्स को छोड़ दिया है चीकू के साथ। नया जगह पे छोड़ने के बाद सब बर्ड्स ही डरता है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ देर बाद ये ठीक हो जाएगा। और अभी वक्त है सब बर्ड्स को शाम का डाइट देने का। तो इधर मिक्स फूड है और इधर सनफ्लावर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मिलते किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।